हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। करेंटली हम राइस ब्लू की एपीआई को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एज यू नो कि राइस ब्लू ने अपने एपीआई को अपडेट कर दिया है इन वर्जन 2। सो लास्ट पार्ट हमने देखा था कैसे हम लॉग इन करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फेच करते हैं। ओके, और आज की पार्ट में मैं दो और एपीआई डिस्कस करूंगा और ये दो एपीआई इन्होंने बिल्कुल नई फ्रेश एपीआई इंट्रोड्यूस किया है और इसकी रिक्वायरमेंट भी थी वैसे मैं कहूँ तो। सो जो फर्स्ट एपीआई वो तो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी हिस्टोरिकल डेटा। सो यू कैन सी हियर दे एडेड हिस्टोरिकल डेटा। तो प्रीवियसली ये डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे थे हिस्टोरिकल, अब इन्होंने दें स्टार्ट कर दिया और मैं मानूँ थी बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप कोई भी इंडिकेटर आपको बिल्ड करना लाइक RSI, MA, बटन कुछ भी आपको बिल्ड करना है उसके लिए हिस्टोरिकल डेटा मस्ट था। तो प्रीवियसली तो नहीं था बट इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, इस बार इन्होंने ऐसे ऐड कर दिया। तो एक अपडेट हम ये ऐड डिस्कस करेंगे और सेकेंड है आप देखोगे तो करंट OHLC अपर लो सर्किट डेटा, मतलब यू कैन से कि जिसे हम बोलते हैं अदर API में स्क्रिप्ट इन्फो और यू कैन से कोड्स API काइंड ऑफ यही है ये। ओके, ये दो पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई नो कि लोग वेट कर रहे हैं वेब सॉकेट के लिए। तो वेब सॉकेट में क्या ना कि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ इसमें मेरे को भी कुछ लग रहा है कि चेंजेस होने चाहिए। आई एम वेटिंग, जैसी वो चीज़ मुझे स्टेबल दिखेगी तब मैं उसे वीडियो क्रिएट करूँगा विद सम लाइव एग्जांपल। ओके, तो आज हम बेसिकली दो पे डिस्कस करेंगे, वन है हिस्टोरिकल डेटा, सेकंड इज फॉरगेटिंग LT। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, सेम मैं कॉपी पेस्ट करूँगा आपको एक्सप्लेन करूँगा, दैट्स ऑल। सो बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो गया इसकी। सो पहले हमें क्या करना है कि अपने API को अपडेट करना। सो करंटली आप देखोगे तो इनकी जो API का वर्जन है यू कैन सी हियर इट्स अराउंड 1.020। तो करंट जो वर्जन है वो है 1.0.20 और आपको चेक करना है। तो लास्ट टाइम जो मैंने अपडेट किया था आई थिंक 1.08 था, समथिंग 18 था। तो अभी आप पहले अपने देखोगे आपका वर्जन क्या है। सो यू कैन रन दिस कमांड पिप सो पाई A3। सो ऐसे आप इसे रन करोगे यू कैन सी करंटली मैंने अपडेट कर दिया है। सो यू कैन सी हियर 1.20 बट आपके केस में ये हो सकता है कि ओल्ड हो, अगर ये ओल्ड होगा इन केस सो आपको रन करना है दिस कमांड pip nukash-dir install upgrade pi-a3 और आपको ये कमांड यहाँ भी मिल जाएगा, यू कैन कॉपी दिस कमांड फ्रॉम हियर। ओके, जैसे आप रन करोगे आपकी अपडेट हो जाएगी। तो ऑलरेडी मेरे केस में अपडेटेड है तो मैं अपडेट नहीं करूँगा। व्हेन आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस सेक्शन यू कैन सी यूजर डज नॉट लॉग इन। तो बेसिकली आज मैंने अपने एंड के जो वेब ऐप है उस पर लॉग इन नहीं किया था इसलिए ये जा रहा है। तो मुझे एक बार मुझे लॉग इन करना पड़ेगा जैसा कि इनका रूल है। सो लेट्स गो एंड यहाँ मैं लॉग इन करता हूँ। सो जस्ट वेट और ये अपना हो गया लॉग इन। अब अगर मैं ट्राई करूँगा तो ये अपना लॉगिन हो जाएगा। ओके, सो अगेन ट्राई, यू कैन सी यहाँ पे आ गया सेशन आईडी। तो आपको एक बार लॉगिन करना है एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी प्रोसेस, आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो। ओके, और ये आप यहाँ से इट्स मीन्स अपने API सही वर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट फेच कर लेते हैं। ओके, तो आप इसे कॉल कर लो और ये देखो डाटा डाउनलोड हो गया। तो मैं इन बाकी चीज़ों को मैं नीचे कर दे रहा हूँ बिकॉज ओके तो राइट नाउ MCS की मार्केट ओपन है तो हम जो यहाँ पर लेंगे वो भी हम MCS की ले लेते हैं। सो अगर मैं सिल्वर की इंस्ट्रूमेंट सर्च करूँ यहाँ पे तो मेरे को मिल गई सिल्वर की इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अब अपने पास यहाँ पर टोकन है तो हम क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट फेच करते हैं फिर हम उसे यूज करेंगे LTV फेच करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ से ये कोड का एग्जाम्पल कॉपी करता हूँ, ऑल्सो कॉपी फ्रॉम हियर एंड जस्ट पेस्ट हियर। तो अपने को प्रिंट नहीं चाहिए क्योंकि जुपिटर नोटबुक में ऑलरेडी प्रिंट की जरूरत है नहीं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सिल्वर पे जाऊँ सो टोकन से हमें पेस्ट करना है। सो लेट्स से ये अपना सिल्वर 5 सितंबर। सो आई जस्ट मैं करता हूँ MIC पिक करता हूँ। ओके, दिस वन फाइन सिल्वर MIC 31st अगस्त। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे करता हूँ एंड जस्ट रन दिस वन। नाउ वी गेट कंप्लीट रिस्पॉन्स अबाउट स्क्रिप्ट। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, मानो आपको कोई शेड्यूल बिल्ड करना है या शेंगल बिल्ड करना है। ओके, 9:30 पे। अब 9:30 पे आपको कोई ATM चाहिए होती है, ATM कैसे आएगा निफ्टी के LTP से। अब LTP के लिए आप जाओगे फीड सब्सक्राइब करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि मुझे केवल वन मोमेंट पे एक पॉइंट पे बस LTP चाहिए। तो आप इस कॉल को यूज करो, LTP निकाल लो और यू कैन डिसाइड योर ATM देन सेल स्टैंडर्ड स्टैंगल अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो तो LTP दो फील्ड में आ रहा है, एक LTP यहाँ पे एक LTP ये। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। ओके, उसके बाद आप देखो तो ये ओपन प्राइस है। ओके, सो अगर हम सिंपल ओपनिंग देखें यहाँ पे तो यू कैन सी ओपनिंग हियर। ओके, यहाँ पे आप ओपनिंग देखोगे सो ओपनिंग यहाँ पे है 5587। तो यू कैन सी इट्स फाइन 5587। और अगर मैं देखूँ तो आज की जो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं हाई, तो हाई आप देखो तो 5607। सो यू कैन कम हियर अगेन सी 5607 करेक्ट। एंड उसके बाद हमारा क्या है ईयरली हाई लो में नहीं चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो उसको वेरीफाई कर रहा हूँ एंड लो इज 5516। सो अगेन मैं कम हियर एंड यू कैन सी 5516 करेक्ट। और LTP तो हमने देख ही लिया 5561। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें वहाँ मिल गई है कि LTP और हमारा ओपन हाई लो आज को डे वाइज है ये। ओके, तो आई थिंक यू गेट आइडिया कि इस API कॉल का मीनिंग क्या है। बेसिकली आपको LTP मिल जाएगा और डे का हाई लो मिल जाएगा। ओके,
अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉल पे। तो नेक्स्ट कॉल हमारी हिस्टोरिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप इसको जस्ट कॉपी कर लो, एग्जैक्टली सेम थिंग, ओके, पेस्ट इट हियर। और अभी मार्केट ओपन है एमसीएक्स का, तो हम सेम एग्जाम्पल यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे भी किया था एनएफएमसीएक्स वाला, ओके, क्योंकि लाइव में देखने में आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, ओके। सो मैंने कोड को फिर जनरेट करना है, सो इस तरह, ओके फाइन सर, 234633, ओके, सो कम हियर, पास दिस वन एंड एमसीएक्स, ओके। अपना लॉग इन ऑलरेडी हो रखा है, सो वी डोंट नीड दिस लाइन, और हमें चाहिए 1 मिनट पर टाइम फ्रेम पे, सो आई जस्ट पास ईयर वन, क्योंकि सबसे मिनिमम ट्राई करते हैं, ओके। एंड आई डोंट नीड प्रिंट स्टेटमेंट, बाई चांस या फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ प्रिंट जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, ओके। और यहाँ पे टाइम डेल्टा चाहिए मुझे, तो मैं आई जस्ट पास ईयर टाइम डेल्टा, आई डोंट नीड दिस वन, ओके, एंड जस्ट एंटर। सो अभी अपने पास क्या है, नो एट्रीब्यूट टोकन, सो राइट डॉट गेट इंस्ट्रूमेंट बाई सिंबल, ओ यहाँ हमने वो सिंबल पास करना, मैंने यहाँ पे टोकन दिया, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, वी कैन गेट हियर, रिप्लेस दिस बाय, ओके, एलाइज डॉट गेट इंस्ट्रूमेंट बाय डिक्स ऑब्जेक्ट हैज नो टोकन्स, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, द सिंबल इज नॉट अवेलेबल इन एक्सचेंज, ओके। सो ओ आई हैव टू पास लाइक दिस, करेक्ट। सो बेसिकली मैं यहाँ स्ट्रिंग पास कर रहा था, आपको यहाँ पे एज ए इंटीजर पास करना है, एंड या करेक्ट, यहाँ पे डेटा आ गया, और लास्ट जो है टाइम है वो 2309 है, सो करेंटली यू कैन सी हियर टाइम इज 11:10, ओके। सो डेटा मिला है 9 का। यहाँ मैंने जो ऑब्जर्व किया क्या है कि जो भी कैंडल ऑन गोइंग है, राइट, अभी देखोगे जो 10-11 कैंडल है वो भी बन रही है, जो कैंडल ऑन गोइंग है उसका डेटा नहीं दे रहे हैं, जो कैंडल कंप्लीट हो चुकी है उसका डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑल्सो इज अ गुड पॉइंट। तो अगर मैं फिर से हिट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2310 का डेटा, ओके। तो अगर मैं अगेन से हिट करूँ, यू कैन सी 2310 आया, ओके। अभी क्या हो रहा है कि जो 11 ही कैंडल है, ओके, वो अभी फॉर्म हो रही है, इट्स इन प्रोसेस, जो कैंडल प्रोसेस में है वो उसको नहीं दे रहा है, जो फॉर्म हो चुकी है उसका डेटा मिल रहा है, सो इट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। बट अगर आप देखोगे काइट या फिर फायर्स में, तो वहाँ पे जो भी ऑन गोइंग कैंडल होती है उसका डेटा हमें मिल जाता है। सो मैंने पास 5, सो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा 5 मिनट का, ओके, 2300, 2305 एंड 2310, ओके। और यहाँ पे आप हार्डली सेम वे आप यहाँ पे 15 पास कर सकते हो, ओके, एंड यू विल गेट 15 मिनट टाइम फ्रेम डेटा, ओके। और आई थिंक फॉर डे के लिए यहाँ पे पास करना है हमें डी, सो यू विल गेट डे वाइज, ओके। सो ये बेसिक कॉल है जो कि हर एक पीपीआई में होती है, और फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम टू इंटरवल एंड इंडाइसेस, इंडाइसेस नहीं हमारी है, हमारे यहाँ पे सिंपल स्टॉक्स हैं, तो हम यहाँ फॉल्स पास कर रहे हैं। अगर आप इंडाइसेस लगाओ यहाँ पे आपको ट्रू पास करना पड़ेगा, तो लेट्स सी, अगर हम इंडाइसेस करेंगे तो यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, और हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो भी होगा इंडाइसेस का। सो एक ट्राई करते हैं निफ्टी का, सो अपने को क्या करना पड़ेगा, एंड निफ्टी की टोकन चाहिए होगी, सो हाउ यू गेट दिस वन, या फाइन ये नीचे वाली, ओके, कॉल दिस वन। अब अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, ओके, अब हम ट्राई करते हैं, ओके, सो नाउ यू कैन सी ये अपना डाटा आ गया निफ्टी का, ओके। और यहाँ पे अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो लेट्स सी इज वर्किंग ऑन, आई एम जस्ट चेकिंग, सो अभी भी आ रहा है वैसे, नो सॉरी यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, ओके। तो आपको यहाँ पे पास करना है ट्रू, ओके, तो इंडेक्सेस आपको ट्रू पास करना है, और अगर बाकी स्टॉक से आप सब कुछ भी है, सो यू कैन पास हियर फॉल्स, ओके। तो अगेन आई सेड इट फॉल्स, एंड यहाँ पे हम एमसीएस कर लेते हैं, एंड 2439 एडिट, ओके। सो आई थिंक गुड आइडिया कैसे हमें जो भी डेटा को यूज करना है, और हमने एक और डिस्कस किया था इसके पहले अपना स्क्रिप्ट इनपुट का, ओके। ये दो कॉल हमने डिस्कस कर लिए, आपको आई थिंक आइडिया मिल गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल थी, और एक तरह से नया एडिशन था इनके एपीआई में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एफ सॉकेट डिस्कस करूंगा, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट चीजें कवर हो गई हैं, अब बस एफ सॉकेट बचा है, तो हमें एफ सॉकेट डिस्कस भी करेंगे, और फिर एग्जाम्पल भी हम ड्रॉ करेंगे, लाइक वी बिल्ड सम काइंड ऑफ स्कैनर लाइक प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट, ओके, सो यू गेट बेटर आइडिया, फाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, ओवर एंड आउट।